यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत टेरिफाइंग है, जहाँ की हीट जलते हुए मेटल से भी ज्यादा हॉट है, जो पूरे यूनिवर्स के डार्कनेस में भटकते रहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बी वर्ल्ड का नाम दिया गया है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है, लेकिन ये सच है। तो मिलिए ग्लीसा 4-3-6-B से, जो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग प्लैनेट्स में से एक है। ये प्लैनेट अर्थ से सिर्फ 30 लाइट ईयर्स दूर है, और ये अपने रेड ड्वार्फ स्टार का ऑर्बिट सिर्फ 2.6 डेज में कंप्लीट करता है, मतलब हर 2 दिन में न्यू ईयर। ये प्लैनेट अपने स्टार के इतने करीब है कि इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर देखकर लगता है कि ये प्लैनेट लावा से भरा होगा, लेकिन अजीब बात यह है कि ये प्लैनेट बर्फ से कवर्ड है, और इसकी वजह है ग्रेविटी। इस प्लैनेट की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये वाटर वेपर को कंप्रेस करके आइस बना देती है, और ये आइस 1000 डिग्री टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता। हर प्लैनेट के पास स्टार नहीं होता, कुछ प्लैनेट्स अकेले होते हैं, बिना किसी स्टार के ऑर्बिट करते हुए पूरे यूनिवर्स में भटकते रहते हैं। इन्हें रोगो प्लैनेट्स कहते हैं। रोगो प्लैनेट्स पर पानी की जगह मोल्टन आयरन की बारिश होती है। ये रोगो प्लैनेट इतना बड़ा है कि ये जुपिटर से 6 टाइम्स ज्यादा मैसिव है, और ये सिर्फ 12 मिलियन साल पुराना है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ट्रिलियंस ऑफ स्टारलेस वर्ल्ड है, जो अकेले भटकते रहते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे प्लैनेट्स की तरफ जिन्हें ज़ॉम्बी वर्ल्ड कहा जाता है। जब मैसिव स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो एक्सप्लोड करके सुपरनोवा बन जाते हैं। ये एक्सप्लोजन पूरे यूनिवर्स का सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स होता है। जब ये खत्म हो जाते हैं, तो ये एक डेड स्टार छोड़ देते हैं, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार रेडियो वेव्स के बीम्स इमिट करते हैं, जिन्हें पल्सर कहा जाता है। 2300 लाइट ईयर्स दूर इस पल्सर को 3 रॉकी प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें ज़ॉम्बी वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये एक डेड स्टार के आसपास है। ये प्लैनेट पल्सर के मैग्नेटिक फील्ड में अरोरास प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारी अर्थ पर नॉर्दर्न लाइट्स होती है। अगर आप इस प्लैनेट पर होते, तो आप पल्सर की लाइट बीम्स को स्पेस में चमकते हुए देख सकते, जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सीन होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इन टेरिफाइंग प्लैनेट्स पर जाकर कैसा फील होता होगा? अगर हाँ, तो कमेंट्स में बताइए कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए टेरिफाइंग था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।